हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुँचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजा मौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज़्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजा मौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद
तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुँचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसी शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजा मौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिस्क विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस
के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुँचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसी शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिस्क विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को
बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर आपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है एक फॉर्मूला के तहत। कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वहाँ बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर
की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसरत भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्यश्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है एक फॉर्मूला के तहत। कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसी शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना
बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है एक फॉर्मूला के तहत। कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसी शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच
जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है एक फॉर्मूला के तहत। कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसी शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म क्रिटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है।
फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है, अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमिक बॉलीवुड बना रहा है एक फॉर्मूला के तहत। कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म क्रिटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी वी विनायक
इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजा मौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजा मौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमेक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है जहां शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म क्रिटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी।
और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रीमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉफी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉफी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टिड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज़्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजामौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रीमेक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजामौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुँचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी।
बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजा मौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टीड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजा मौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमेक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ पहुँचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है।
कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजा मौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजा मौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टीड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रॉफिट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजा मौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम छत्रपति फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में 2005 में एसएस राजा मौली और प्रभास की जोड़ी ने साथ मिलकर छत्रपति फिल्म बनाई थी। लगभग 18 साल बाद वही स्टाइल पर बॉलीवुड अंदाज में एक्टर बेलम कोड़ा श्रीनिवास यह फिल्म लेकर आए हैं। साउथ सिनेमा की रिमेक बॉलीवुड बना रहा है। एक फॉर्मूला के तहत कोई बॉलीवुड स्टार वह की सुपरहिट फिल्मों को चुनता है और उसकी हूबहू कॉपी बनाकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों को परोस देता है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। साउथ की ही एक एक्टर ने वह की सुपरहिट फिल्म को लगभग 18 साल बाद हिंदी में बनाकर उसे अपने डेब्यू का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं 2005 में आई राजा मौली के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म छत्रपति की। अब इसे फिल्म को थोड़ा ट्विस्ट कर यंग ब्रिगेड के एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास ले आए हैं। कहानी के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के दौर शिव बेलम कोड़ा श्रीनिवास अपने सौतेली माँ भाग्यश्री और छोटे भाई अशोक करण छबड़िया के साथ पाकिस्तान के समुद्र किनारे के इलाके में बस चुके हैं। हालांकि वह बसे शरणागति को अब भी चैन नहीं है। आए दिन वहाँ के लोगों के बीच दंगे होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इस दंगे की आग में शिव अपने माँ और भाई से बिछड़ कर भारत के गुजरात में पहुँच जाते हैं। शिव के साथ
पहुंचे शरणागति गुजरात के उसके इलाके में एक दबंग गुंडे के चुंगुल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट और टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ शिव के उसके छत्रपति बनने की जर्नी दिखाई जाती है। कैसे शिव छत्रपति बनता है, क्या वे अपनी माँ को ढूंढने में सफल हो पाता है, यह सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बाहुबली जैसी फिल्म करने से पहले राजामौली और प्रभास ने पहली बार 2005 में फिल्म छत्रपति में काम किया था। उस वक्त यह फिल्म स्किटिक के मायनों पर खड़ी उतरी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी। लगभग 18 साल बाद इसी स्टाइल के साथ डायरेक्टर वी विनायक इस फिल्म को लेकर आए हैं। राजामौली की इस फिल्म को रिमेक करने का यह रिक्स विनायक के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। फिल्म फॉर्मूला के तहत सिमट कर रह जाती है। हूबहू स्क्रीन पर कॉपी हुए सीन में कुछ अनोखा नहीं दिख रहा है। नतीजा छत्रपति भी एक कॉपी पेस्ट फिल्म बनकर रह गई है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 20 मिनट तक आपको बोरिंग सी लगने लगती है। हालांकि जब एक्शन का सीन आता है तो बेशक थोड़ा रोमांच जगाती है। अगर कहानी को साइड हटा दिया जाए तो फिल्म का एक्शन दमदार है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उनका एक्शन डिपार्टमेंट है। दमदार एक्शन ने कमजोर कहानी को एक राहत दी है। फिल्म के सारे फाइट सीक्वल आंखों को स्टीड जैसे लगते हैं। एक्शन कोरियोग्राफर की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही साउथ एक्टर बेला कोड़ा श्रीनिवास इस फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बेला कोड़ा की मेहनत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। एक्शन सीक्वल के दौरान उनका स्वैग वाकई काबिली तारीफ है। बेला कोड़ा में एक प्रोफेट एक्टर की वे सारी खूबी साफ नजर आती है। बात करें एक्ट्रेस की तो नुसर भरूचा एक बेहतरीन अदाकारा है और स्क्रीन पेस ज़्यादा नहीं मिल पाने के कारण उनकी किरदार एक ग्रैमरस बनकर रह जाता है। माँ के रूप में भाग्य श्री का काम स्क्रीन पर साफ नजर आती है। वही छोटे भाई बने जस छाबड़िया ने अपने कैरेक्टर को ग्राफ को बखूबी पकड़ा है। शरद केरकर इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है। एक बेहतरीन एक्शन एक्सपीरियंस के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। अगर अपने राजामौली और प्रभास की छत्रपति देखी है तो शायद तुलना करने के बाद निराशा हाथ लगे। ओवरऑल पारिवारिक फिल्म है जिसका लुत्फ़ फैमिली के साथ बैठकर उठा सकते हैं।